सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सॉल्व करते हैं कक्षा पाँचवीं की वर्कशीट। सप्ताह है 27, विषय है सामाजिक ज्ञान, उप विषय है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्रीय संघ। देखिए बच्चों, प्रश्न के द्वारा हम समझते हैं, उपयुक्त शब्दों का चुनाव कर खाली स्थान भरिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है बच्चों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभ से ही क्या रहा है? सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, आपने यहाँ देखा होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको मैं बताती हूँ। देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? देखिए बच्चों, यह है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास सामाजिक प्रगति मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। बच्चों देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि बच्चों इसमें ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। बच्चों इसके अंदर, इस संगठन में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो उद्देश्य लिखिए। बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो उद्देश्य क्या हैं? चलिए इसका उत्तर मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ बच्चों स्पेस नहीं है, चलिए मैं लिखती हूँ। देखिए बच्चों, इसके क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य बच्चों मैंने यहाँ बताया है आपको। देखिए बच्चों, इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, दूसरा बच्चों इसके उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों
को बढ़ावा देना है। देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का क्या उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और जो राष्ट्र हैं उनके बीच में मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? बच्चों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी इकाइयां होती है जिनकी स्थापना उनके सदस्यों के बीच औपचारिक राजनीतिक सहमतियों के आधार पर होती है। ठीक है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है ये किसे कहते हैं? बच्चों ये ऐसी इकाई होती है जिसकी स्थापना में बच्चों उनके जो सदस्य होते हैं, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनके बीच में औपचारिक राजनीतिक सहमति के आधार पर ये होती है, तब इसका संगठन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता है। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की किन्हीं तीन संस्थाओं के नाम लिखिए। बच्चों देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की किन्हीं तीन संस्थाओं के नाम लिखने हैं? जैसे बच्चों यहाँ हो गया विश्व बैंक, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों को देखकर संयुक्त राज्य संघ की संस्थाओं के नाम लिखिए। बच्चों देखिए, हमें पूछा गया है कि यहाँ पे जो चिन्ह दिए गए हैं इन्हें हमें पहचानने हैं और इनके हमें नाम लिखने हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा यूनिसेफ। देखिए बच्चों, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। बच्चों देखिए, ये यूनिसेफ की जो स्थापना की गई है, स्थापना उन सभी देशों के बच्चों और माताओं को खाना तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि इसकी स्थापना क्यों की गई है? ताकि जो बच्चे और जो माएँ हैं उनको खाना बन सके, मिल सके और उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उन्हें प्रदान की जा सके। ठीक है, दूसरा है बच्चों हमारा WHO। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए बच्चों, WHO में क्या है बच्चों? इसमें बच्चों विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं विकसित कराने की संस्था है ये। ठीक है बच्चों, इसके अंदर बच्चों लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करने के लिए इसमें ध्यान दिया जाता है, इसलिए हमारा इस संगठन का निर्माण किया गया है। अगला देखिए, जीवन कौशल मानचित्र कैसे पढ़ें। दी गई वीडियो देखकर मानचित्र के दो लाभ लिखिए। देखिए बच्चों, मानचित्र मैप आप सभी को पता है बच्चों, इनके दो लाभ क्या हैं कि मानचित्र से हम किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं और मानचित्र से हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं। अगला देखिए, दिशाओं के नाम लिखिए। बच्चों दिशाएँ आप सभी को पता है, हमारी चार दिशाएँ होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
देखिए बच्चों, ये दिशा हमारी उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया? बच्चों आप सभी देखिए मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपने वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।